नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के फुटपाथ दुकानदारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि लगभग 50 से अधिक दुकानदारों को मलमास मेला के दौरान कुंड परिसर से हटा दिया गया था और दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां से भी उन्हें हटाने का लगातार आदेश दिया जा रहा है, जिससे इनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। जो वर्तमान स्थिति है, ये काला पानी की मौत से कम नहीं है, क्योंकि दुकान हटा देने के बाद आज हमारा दिनचर्या किस रूप में बिगड़ चुका है, इसकी भविष्य में कभी कल्पना हमने किया भी नहीं था। खाने के लिए मुहताज है, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा ठप हो चुका है, महाजन का कर्ज हो गया है। अब कोई भी सेठ साहूकार उधार देने के लिए तैयार है नहीं कि आप पैसा कहाँ से दीजिएगा। इसलिए हम लोगों के पास वैकल्पिक रूप में कोई साधन नहीं है। गुजारिश यही है कि हम लोग जहाँ कमा खा रहे थे, रोटी की व्यवस्था हो रही थी, वहाँ तत्काल हम लोगों को जितना जल्दी हो सके हम लोगों को वहाँ लगाने का, कमाने खाने का आदेश दिया जाए। न हम वहाँ होटल बनाएंगे, न दो तल्ला तीन तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे, हम लोग जमीन पर लगाने वाले हैं, चौकी पर लगाने वाले हैं, ठेला पे लगाने। रात्रि के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को अविलंब स्थगित किया जाए, अन्यथा आंदोलन के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। नवरात्रा के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण के आयोजन से शिक्षकों में आक्रोश और संशय व्यक्त है। शिक्षक सोच रहे हैं कि कैसे वो इस दरमियान ट्रेनिंग लेंगे, उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, कारण कि इस दौरान शिक्षक सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लहसुन प्याज वर्जित करते हैं, विशेष सात्विकता का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ माता दुर्गा का पूजा अर्चना करते हैं। इनके पूजा पाठ के लिए प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में क्या व्यवस्था की गई है, इससे भी विभाग को अवगत कराना चाहिए। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब नवरात्रा के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्थगित कीजिए। हमको प्रशिक्षण लेने से समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण दुर्गा पूजा के बाद भी लिया जा सकता है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब इस आदेश को निरस्त कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हमारा संगठन आंदोलन करेगा। नवरात्रा के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण के आयोजन से शिक्षकों में आक्रोश और संशय व्यक्त है। शिक्षक सोच रहे हैं कि कैसे वो इस दरमियान ट्रेनिंग लेंगे, उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, कारण कि इस दौरान वर्तमान स्थिति है, ये काला पानी की मौत से कम नहीं है, क्योंकि दुकान हटा देने के बाद आज हमारा दिनचर्या किस रूप में बिगड़ चुका है, इसकी भविष्य में कभी कल्पना हमने किया भी नहीं था। खाने के लिए मुहताज है, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा ठप हो चुका है, महाजन का कर्ज हो गया है। अब कोई भी सेठ साहूकार उधार देने के लिए तैयार है नहीं कि आप पैसा कहाँ से दीजिएगा। इसलिए हम लोगों के पास वैकल्पिक रूप में कोई साधन नहीं है। गुजारिश यही है कि हम लोग जहाँ कमा खा रहे थे, रोटी की व्यवस्था हो रही थी, वहाँ तत्काल हम लोगों को जितना जल्दी हो सके हम लोगों को वहाँ लगाने का, कमाने खाने का आदेश दिया जाए। न हम वहाँ होटल बनाएंगे, न दो तल्ला तीन तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे, हम लोग जमीन पर लगाने वाले हैं।